तो गाइस देखिए आज हमें मिले हैं पेलू राम और देखिए ये बिहार छोड़कर यहाँ आए हुए हैं बाल बच्चा से दूर यहाँ पे काम करने और हम इनसे पूछेंगे कि बिहार में ऐसा क्या दिक्कत है कि इन्हें बाल बच्चे से दूर रहना पड़ता है। पेलू राम प्लीज बताइए आपको क्या दिक्कत है बिहार की सरकार से। बिहार के सरकार से दिक्कत है कि नीतीश कुमार कहते हैं रोजगार मिलता है, रोजगार दे नहीं रहा है। जी जी राम है, कभी RJD में कभी JDU में पलट जाता है, उसको नाम है पलटू राम नाम धरा गया है, क्या किया जाए। इस बात पे तो आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा कि ऐसे कर रहे हैं, बिहार में विकास नहीं हो रहा है। बिहार में विकास का हो रहा है क्या, बाहर में आ रहे हैं कमा रहे हैं। सही बात है, बाल बच्चा से दूर है, फैमिली से दूर है, 3 दिन न सोना है न हगना है न उठना है, भूखे प्यासे। सही बात है, ट्रेन में टिकट भी नहीं मिलता है, तत्काल टिकट इतना प्रॉब्लम हो गया है, प्रॉब्लम हो गया। पहले तो खास मुद्दा ये है कि जी जी कंपनी नहीं है बिहार में, पहले कंपनी चाहिए, रोजगार चाहिए हम लोग, रोजगार चाहिए। जी जी तब जाके बिहार विकास करे होगा। किस आप क्या चाहते हैं, कैसा कंपनी बिहार में बैठाया जाए। कश्यप को 5 साल के लिए विधायक बनाया जाए जी बिहार के लिए, तब देखो वो क्या करता है। जी तो मतलब आप मनीष कश्यप को सपोर्ट कर रहे हैं, वो जिस भी पार्टी से होंगे आप उनको वोट करेंगे। वोट करेंगे मनीष कश्यप, ऐसा है युवा नेता के मसीहा है। जी जी नहीं आपका कहना भी सही है, क्योंकि चिराग पासवान है वो भी है सही, बाकी लालू के परिवार में तो सब नौवा फैल है, तेजस्वी यादव एगो है, अथी कृष्ण बनता है तो कभी ये चीज बनता है तो कभी वो क्या चला। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो लालू परिवार के नेता हैं वो लोग देश को नहीं संभाल पाएंगे, हमारे बिहार को, और देश संभालने का सपना देखते हैं वो लोग, नहीं संभाल पाए। अगर अच्छा आप बताइए, अगर पब्लिक किसी आम इंसान को मौका दे, समझ लीजिए अगर पब्लिक आपको मौका दे कि चलिए आपके हाथ में बिहार दिया जाता है अगले कुछ सालों के लिए, तो आप क्या पहले बिहार में क्या विकास करेंगे जिससे बिहार आगे बढ़े। हमको मौका नहीं दिया जा रहा कि हम यही कहते हैं कि मनीष कश्यप को बनाया जाए 5 साल के उसको। मनीष कश्यप भी तो आम इंसान है, आप उसी नजरिए से बताइए कि अगर कोई आम इंसान, अगर आम इंसान बने तो आपको पहले क्या विकास चाहिए बिहार में। करेंगे हमको है सबसे पहले ऑर्केस्ट्रा करेंगे। ये बताइए कि ऐसा पहले कौन सा काम आप मतलब बिहार में होता देखना चाहते हैं, कोई विकास जैसे स्कूल बने या फिर सड़क बने। सबसे पहले विकास बिहार में शिक्षक, शिक्षक सही बात है, शिक्षा की कमी है जिससे बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। प्राइवेट में क्यों पढ़ रहा है बच्चा, मजबूरी है, अच्छा सरकारी स्कूल नहीं है। जी जी सही बात बोल रहे हैं, और प्राइवेट का फीस भी ज्यादा होता है। एक चला दिया है नीतीश कुमार खिचड़ी बनाने वाला, वो तो सबसे घटिया है, और उसमें बस नाम का खिचड़ी बनाने वाला है, खाना मिल रहा है स्कूल में जी उस, लेकिन वो खाना खाने खाने लायक नहीं रहता है। सही बोलते हैं आप, सही बोल रहे हैं, हम भी कुछ स्कूल में गए थे और वहाँ के बच्चों से मिले, हम भी उन लोगों ने यही बात बोला, शिक्षक कमजोरी है। दूसरी बात हॉस्पिटल में कमी है। जी जी बिल्कुल, आप आदमी के पहुँच है तो भर्ती हो जाता है, गरीब आदमी के पहुँच नहीं है तो भर्ती नहीं, लाइन में भी मर जाता है, अनाथ आश्रम पड़े रहो पड़े रहो। जी ये बात आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो पड़े रहो। फिर तीसरा मुद्दा, जी जी तीसरा मुद्दा सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। जी आप सही बोल रहे हैं, सरकारी नौकरी इतने साल से बच्चे लोग पढ़ रहे हैं लेकिन सरकारी नौकरी का वैकेंसी नहीं आता है। जब चुनाव आता है करीब तभी वैकेंसी आता है, सरकार बोलती है हम नौकरी देंगे, हम रोजगार देंगे, हमको वोट दीजिए, लेकिन फिर जीतने के बाद सरकार का वही हाल होता है, वो बोलते हैं कि न जान न पहचान मैं तेरा मेहमान, जब अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। वोट पढ़ लिए उसके बाद फिर कहते हैं हम हैं, हमारे पास आइए। हाँ वही वही हाल है, हम भी बहुत जगह गए, बहुत अलग अलग लोगों से मिले, सबसे पूछे, लेकिन जो आप बात बोल रहे हैं सब ने वही बात बोला, और ये बात सुन के हमें ऐसा लग रहा है कि सच में कुछ सालों में बिहार में विकास नहीं हुआ है और आम आदमी जो है बहुत परेशान है। चौथा सवाल कि पढ़ लिख के गरीब लड़का तैयार हो जाता है तो घूस चाहिए उसको। जी जी बिना घूस के सरकारी नौकरी नहीं मिल रहा है, गरीब है 3 लाख 4 लाख कहाँ से देंगे घूस। हाँ वही बात है कि गरीब आदमी इतना घुस कहाँ से देगा, क्योंकि गरीब आदमी के पास तो खाने का पैसा नहीं है, नहीं है, नहीं है। पढ़ा सकते हैं कि नीमक रोटी खिला के पढ़ा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, घुस कहाँ से देंगे, घर द्वार कोई बेचेगा थोड़ी। कमी है ये 3 चीज।